नमस्कार जय हिंद दोस्तों, बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डेढ़ सेकंड सेमेस्टर का गणित पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि देख बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सेकंड सेमेस्टर का सर गणित पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर के गणित पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है संख्या पद्धति। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी था और इस सेमेस्टर में भी संख्या पद्धति से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल जितने भी बीटीसी के पेपर होते हैं उसमें यहाँ से कम आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें में से यही एक क्वेश्चन इससे यहाँ से आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में पहली बात, यहाँ पर सभी लोग जान ही चुके होंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम विषम, इन सारी चीज़ों को आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपके फिर से याद करने के लिए थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं इन प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं पर। देखिए पहली आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है और अंत तक जाती है, अर्थात 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। इसी प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो क्या बन हो जाता है? पूर्ण संख्या। इसी में प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिसमें हम लोग प्राकृतिक के संख्या के साथ साथ और पूर्णांक भी संख्या होती है और उसमें जो है निगेटिव संख्या जो होती है, अर्थात जो -1 होता है, -2 होता है, इधर से इनफाइनाइट माइनस तक, फिर उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को सम्मिलित कर लिया गया है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। इसमें एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आता है, अब इन तीनों में से बहुत ही कॉमन फैक्ट निकल के आता है, एक होती है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। जो क्वेश्चन बनना होता है इन्हीं चारों में से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है कभी हर साल जो है एक प्रश्न वो विकल्प में बन के आ जाता है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है या सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वन डे एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सम संख्या। देखिए परिभाषा पे हमें ज्यादा जोर नहीं देना, हमें समझना है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। अब वो कक्षा 6 या 7 की क्लास नहीं रह गई है जिस पर हम लोग परिभाषा पर बल दें, हमें यहाँ पर मेन समझना है कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, अर्थात जैसे 2 में 2 से भाग देते हैं विभाजित हो जाएगी, जी हाँ कितना आ गया 1, 4 में 2 से भाग देते हैं कट जाएगी ना, बिल्कुल कितना आ जाएगा 2, ऐसे ही 6 में 2 से भाग देते हैं कट जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो ये जो 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे और ये सारी क्या कराएंगी? सम संख्या कराएंगी। और कहाँ तक होगी ये संख्याएं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक ये जाएंगी। अब इसके बीच में अंतर देखिए कितना है दोस्तों, 2 का इसके बीच में अंतर कितना है? 2 का, अर्थात 2 सम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है? 2 का। 2 सम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है? 2 का। अब बात आती है सबसे छोटी सम संख्या के बारे में।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, दो, क्योंकि यहीं से ही शुरू हो रहा है यहाँ पर सिक्वेंस। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि अनंत है, अनंत को कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या, अब विषम संख्या की जब बात करते हैं तो वह संख्या है जो दो से डिवाइड ना हो, अर्थात कौन कौन से नहीं होंगे, एक क्या दो से डिवाइड होगा, नहीं, तीन दो से डिवाइड होगा, नहीं, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, पांच, और क्या होगा, सात, और क्या होगा, नौ, ऐसे ऐसे दो के अंतराल पे चलते चले जाएंगे कहां तक, अनंत तक। ये सारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। तो दोस्तों एक चीज निकल के सामने क्या आ रही है, जितनी भी संख्याएं होती हैं 50% सम संख्या और 50% विषम संख्या होती हैं। जैसे यदि हम लोग लेते हैं 1 से 100 तक, अगर इसको देखा जाए 1 से 100 तक है गिनती, अब इसमें जो है 50 संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं होंगी, और 50 संख्याएं विषम होंगी, 50 सम और 50 विषम होंगी। ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं, लेकिन ये जानकारी आगे कब काम आएगा, जब हम लोग पेपर वन डे एग्जाम में होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम करने को आती हैं। जैसे कभी कभी कहा दिया जाता है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, 10 ही सम संख्याएं होंगी, उन्हीं का योग ज्ञात करना है, बाकी ये इसमें जो है 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी, तो हमें जो सम संख्या उसका योग ज्ञात करना है, तो वो अलग से सूत्र है, वो किसी अलग वीडियो में हम आपको बना के अच्छे से बता देंगे। तो दोस्तों सम विषम क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन दोनों को हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। भाज्य अभाज्य, ये जो संख्याएं किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं, अर्थात इसके कम से कम 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे ले लेते हैं 1 4, 4 एक से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, और किससे, स्वयं से। इस तरीके से परिभाषित किया जाए इसको, वह संख्याएं जो 1 और स्वयं कौन है, 4, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी के विपरीत जस्ट उल्टा इसमें होता है, वह संख्या है जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य से कट रहा है, नहीं ना, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा के रूप में थोड़ा सा जाइएगा कि स्वयं से और 1 से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो सम और भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया दोस्तों। भाज्य संख्या कौन कहलाती है, वह संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो। 1 को स्वयं को क्या है, स्वयं मतलब जो भी संख्या हो वो स्वयं अपने आप से विभाजित हो जाए, और या 1 से विभाजित हो और किसी संख्या से ना विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात आती है इसमें जो पॉइंट करने वाली जो बात होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ 1 से 10 तक की हम लोग गिनती ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें हम लोग को सम और भाज्य और अभाज्य दोनों छापना है। ये देखिए 1, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग परिभाषा में जब जाते हैं
एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं वही है, स्वयं वही एक ही है। अर्थ ये ना तो यहाँ पर एक, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको ध्यान में रखना है, इसको हमें नहीं लेना है। अब बात आती है दो, दो क्या है, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, और क्या हो गया भाज्य तीन, ये भी क्या सॉरी अभाज्य दो हो गया, और ये तीन ये भी अभाज्य हो गया चार। एक से भी कट जा रहा, दो से भी कट जा रहा, और चार से भी कट जा रहा, इस तरीके से क्या हो गया ये भाज्य हो गया। चार अंकों का क्या हो गया भाज्य हो गया पाँच, ये अभाज्य हो गया छः। एक से कट जा रहा, दो से कट जा रहा, तीन से कट जा रहा, और छः से भी कट जा रहा, इस हिसाब से क्या हो गया भाज्य हो गया सात, ये हो गया अभाज्य आठ, ये हो गया भाज्य नौ। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये विषम संख्या जरूर है लेकिन भाज्य, क्योंकि एक से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, नौ से भी कट रहा है, अर्थात तीन गुणनखंड होंगे, और जब तीन गुणा जिसके खंड में होंगे वो क्या कहलाएंगे भाज्य संख्या कहलाएंगे दस, ये भी क्या हो गया भाज्य संख्या। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के सामने आता है, जब बात की जाती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों क्या है दो, ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या ये होगी दो। अब इसी को, ये दो कैसी संख्या है, एक तरीके से अभाज्य दो है और क्या है सम भी है, तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये दोनों क्या है दो ही है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इस रूप में पूछ लेता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है दो सम है तो इसका मतलब ये भाज्य है, ऐसा कोई शर्त नहीं है कि प्रत्येक संख्या जो सम हो वो क्या हो भाज्य हो। क्यों ये शर्त नहीं फॉलो करता, क्यों नहीं फॉलो करता, क्योंकि दो सम तो जरूर है लेकिन ये भाज्य नहीं है, इसलिए हमें इस चीज को ध्यान देना है। कभी कभी विकल्प में ये भी दे देता है, ऐसे आ जाएगा कथन निम्न में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, सही गलत के लिए उसमें दिया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये दे दिया गया कि सभी संख्याएं जो सभी प्राकृतिक सम संख्याएं भाज्य होती हैं, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, क्योंकि दो एक सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं तीन की, तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या है। तो अब दोस्तों इतने में से हर साल से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, पेपर उठा के देख लेंगे, तो वहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और उसमें विकल्प में ऐसे दे दिया जाता है कि हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? एक दे दिया गया, दो दे दिया गया, तीन दे दिया गया और पाँच दे दिया गया, तो क्या करेंगे लोग अक्सर एक को मार देते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया एक ना तो सम है और ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, तो ये तो निम्न में रहता है। अब बात इसमें आती है, तो दोस्तों दो को अक्सर लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं लगता है तो दो सम संख्या है और जो सम संख्या होती है वो भाज्य होती है, तो ये जो उसके भ्रम में होता है उसी भ्रम के कारण ये गलत कर देते हैं और ये इसको टिक करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है टिक किस पर करना है, दो पर, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दो। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर फिर से मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और सामने निकल के आता है, सामने निकल के ये आता है कि सबसे छोटे, यहाँ पर तो बात हो गई इन सारे फैक्ट की, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? दोस्तों देख लीजिए चार, एक दो तीन, ये उससे पहले ये सारी संख्याएं हैं, लेकिन क्या ये तो निम्न में रहता है और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं अभाज्य होते हैं,
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार। फिर उसके बाद इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कैसी संख्या है? सम संख्या है ना? जी हाँ मित्रों, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक पूर्ण पूर्णांक पढ़ लिए, सम विषम पढ़ लिए, भाज्य भाज्य पढ़ लिए। जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाज्य भाज्य से ज्यादातर बनते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। एक को हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही ये एक अभाज्य है। इस निम्न में रहता तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं, मानते किसको है? दो को माना जाता है। फिर बात आती है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, वह है दोस्तों तीन। और जब बात की जाती है